हिंदू की जो संस्कृति है उसे अपनी बता दे रहे हैं। केरल में तुम जाके देखोगे ना तुम पहचान ही नहीं पाओगे, हिंदू धर्म है ऐसा ही है। जैसे मैकोले ने यूज करा ना साम दाम दंड भेद का फार्मूला, ऐसे ही केरल में जो दक्षिण क्षेत्र में राज्य भी यूज कर रहे हैं, कि ये पता नहीं पढ़ने दे रहे कि ये भारतीय संस्कृति नहीं है, और उसे उसमें ईसाई बाढ़ दे रहे हैं और उसे सब ईसाई को फॉलो कर रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि वे हिंदू हैं। ये ईसाई संस्कृति है, हिंदू जो संस्कृति है वो ईसाई में कन्वर्ट कर दी, जो हिंदू संस्कृति है उसे चुरा के अब ईसाई बना दिए, और जैसे हिंदू पूजा पाठ कर रहे हैं ऐसे ही वे जीजस की करते फिर रहे हैं। मैकोले ने भी वही करा, बाहरी संसद में उन्होंने क्या बोला कि भाई हिंदू भारत पर अगर पूरी तरीके से राज करना है तो उनकी शिक्षा पद्धति को बिगाड़ दो, उनको नष्ट कर दो। उन्होंने यही करा, शिक्षा पद्धति बिगाड़ी और अपनी आदत डाल दी। ऐसे ही ईसाई वही फार्मूला यूज कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी वही फार्मूला यूज करा कि जब वो सत्ता में आई उन्होंने क्या करा कि 6 शिक्षा मंत्री जिहादी मुस्लिम बना दिए। उन्होंने क्या करा, भारतीय इतिहास को दबा दिया और क्या अपना इतिहास पढ़ाना शुरू, भारत उनके आदि हो गया, अकबर उनके लागमान हो गया। ऐसे ही अब दक्षिण राज्य में हो रहा है कि जितनी भी हिंदू संस्कृति है उसे चुरा के ईसाई में कन्वर्ट कर दिया। अब वे ईसाई उनको उनके ईसाई उनको धर के हवन कर रहे हैं, मंदिरों में जीसस की पूजा हो रही है और उनके जयकारे लग रहे हैं, उनके शोभा यात्रा निकल रही है जीसस की, बहुत बड़े स्तर पर उनका कन्वर्ट कर दिया, भारतीय संस्कृति को ईसाइयों ने कन्वर्ट कर दिया, अपनी बना दी। और जबकि दूर दूर तक भी कोई रिश्ता नहीं है इस चीज का, ईसाई बहुत बड़े स्तर पर साजिश कर रहे हैं। ये सबसे पहले उन महिला को टारगेट कर रहे हैं जो महिला कंपनी में जा रही है, एक जो कंपनी में जा रही है एक महिला को टारगेट करेंगे, वो महिला फिर 3-4 को बताएगी, फिर वो 3-4 को अपना निशाना बनाएगी, 3-4 आएंगे फिर उनको टारगेट करेंगे, फिर ऐसे कर करके जाल फैला रहे हैं। जैसे हरियाणा में चल रहा है वो बहुत बड़े स्तर पर, जिंद में मेरे साथ का लड़का है वो बता रहा है यार मेरी मम्मी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, उन्होंने अपनी हकीकत बताई ना, मेरी मम्मी जहाँ काम करने जावे वहां पर महिला है वे उनका ब्रेन वॉश कर रही है ना भाई, ईसाई अपना लो ईसाई अपना लो ईसाई अपना लो, ऐसा ऐसा हो रहा भाई बहुत बड़े स्तर पर। और तुम समझने को तैयार नहीं हो, तुम जात पात में बटे पड़े हो और बढ़ते रहो, जिस दिन तुम कम हो जाओगे पाकिस्तान में जैसे तुम्हारी कुत्ते वाली हालत है, बांग्लादेश में कुत्ते वाली हालत है, वही हालत होनी है तुम्हारी, समझो इस बात है, लिख लो।